आपको बहुत बहुत स्वागत है टीचिंग प्लेटफॉर्म अकेडमी पे। दोस्तों आज हम फिर आपके साथ अलग अपने सेम कोर्स के साथ, और कोर्स हमारा बेसिक इस पे करंट अफेयर्स पे। करंट अफेयर्स दोस्तों आप जानते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। आप जो कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे दे रहे हो, चाहे एसएससी दे रहे हो, चाहे आप स्टेट लेवल का दे रहे हो या फिर आप सेंट्रल लेवल का दे रहे हैं, करंट अफेयर्स आपको पूछी जाती है। और ये आपके स्कोर को इंक्रीज करने में, आपके नंबर को, आपके मार्क्स को बढ़ाने में काफी हेल्प करते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आज हम उसका 12वां भाग प्रेजेंट करें। इससे पहले हमने 1 से लेकर 11 भाग तक वीडियोज ऑलरेडी प्रेजेंट कर रखे हैं, वो आपने सारा देखा होगा। आप सारे देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो हम प्रेजेंट करें वो काफी ट्रेंडिंग है, यानी रिसेंट के एग्जाम्स में जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो सारे हम प्रेजेंट करें। उसके अलावा जो इवेंट्स हैं, जो स्कीम है, एंड जो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आपको बनते हैं, इंपॉर्टेंट जो होते हैं, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस जो बार बार बनते हैं, जो उनका फॉर्म होता है, जो उनका तरीका होता है, वही सारे क्वेश्चन हम आपको प्रेजेंट कर रहे हैं। और वीडियो देखने से दोस्तों फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके प्रैक्टिसिंग में रहेंगे, तो आप जब भी एग्जाम देने जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको रिकॉल हो जाएंगे। तो चलिए ज्यादा समय लेते हैं, अपना 12वां भाग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरे बारे में पर्सनल डिटेल से, मेरा नाम अमनेश यादव, मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएट हूँ बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी सिंह विश्वास में। उसके बाद मैं कंप्यूटर से भी वहीं से ग्रेजुएट हूँ, कैरियर मेरे बारे में एकेडमिक डिटेल्स हो गई। उसके बाद दोस्तों अगर अब तक आपने मुझे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लें, फॉलो करना काफी ईजी है। अमनेश यादव टाइप करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं अकेडमी के सर्च बॉक्स में, या फिर academy.com/visit/amnesh14 इस लिंक के थ्रू भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने से दोस्तों फायदा ही होगा कि जो मैंने अदर कोर्सेज अदर कैटेगरीज में प्रेजेंट करके आप उनका फायदा उठा सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी बेनिफिशियल है। या फिर इन फ्यूचर जो मैं कोर्सेज प्रेजेंट करने वाला हूं उनकी भी नोटिफिकेशन आपको तभी जाएगी जब आपने मुझे फॉलो कर रखा होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों आप चाहे तो मुझे इस लिंक के थ्रू भी फॉलो कर सकते हैं। और फॉलो करने के बाद दोस्तों अगर आपको ये कोर्स अच्छा लगता है, अगर आपको लगता है कि मेरे जो आइडियाज हैं, प्रेजेंटेशन है, जो भी मैं नॉलेज शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो करंट अफेयर का ये कोर्स अगर आपके लिए बेनिफिशियल है, हेल्पफुल है, तो बिल्कुल मुझे रेट करिएगा। अगर आपको मैं 5 स्टार डिजर्विंग होता हूँ तो मुझे 5 स्टार दीजिएगा। अपने रिव्यू से इतना मत बोलेगा, आपके रिव्यूज हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं और अच्छा करने के लिए प्रेरित करते हैं। और आप जो भी सजेस्ट करते हैं उसको हम अप्लाई करते हैं, और पूरे कोर्स में खुद को इनरोल कर लीजिएगा ताकि जब भी मैं इसका नेक्स्ट लेसन प्रेजेंट करूँ तो इसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुंच जाए। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी फसल उगाने का दावा किया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों कि जो फसलें कौन सी थी, धान, गेहूं, सोयाबीन या मक्का। मैं क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि हाल ही में नासा के वैज्ञानिक ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में कौन सी फसल उगाने का दावा किया है। रिसेंटली नासा साइंटिस्ट हैव क्लेम टू ग्रो विश कॉप इन द इंटरनेशनल स्पेस सेंटर, ठीक है। कौन सी जो फसल है उसको उगाने का दावा किया, तो ऑप्शंस आपके पास चार हैं, धान का किया है, गेहूं का किया है, सोयाबीन का किया है या मक्का का किया। तो जो सही वाला ऑप्शन है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, गेहूं का। जो नासा के वैज्ञानिक हैं उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में फसल उगाने का जो दावा किया है वो जो फसल है वो क्या है, गेहूं है, ठीक है। तो दोस्तों ये उनकी एक नई उपलब्धि है जो हासिल हुई है। नासा के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले एडवांस प्लांट हैबिटेट में पहली फसल उगाने का दावा किया है, और वो जो एपीएच में जो फसल उगाने का दावा किया गया है वो क्या है, जो एपीएच में जो फसल उगाई जाएगी वो क्या है, एक गेहूं की छोटी प्रजाति है, ठीक है। जबकि एक फूल था जिसके पौधे को, जिसको एरिडोडोसेस को भी लगाया गया था, उसको भी उगाया गया था, लेकिन वैज्ञानिकों ने जो एपीएच है, यानी जो आपका एडवांस प्लांट हैबिटेट है, उसमें अंतरिक्ष यात्री जो जो अकाबा जिनका नाम था, उन्होंने एक गेहूं का छोटा पौधा यानी छोटी फसल लगाई थी। उसकी देखभाल करने के लिए उन्होंने एक स्वचालित यानी एक रोबोट बनाया था जो उसके जो जो फार्मर का काम करता था, ठीक है, जो सेंसरों से फसल का तापमान, नमी, रोशनी और उसके विकास के संबंधित आंकड़ों को जुटाता था। इस प्रकार जो पौधा लगाया गया वो क्या है, गेहूं। तो क्वेश्चन आपको ये बन रहा है, रिसेंट एग्जाम में पूछा गया आपका कि हाल ही में नासा के वैज्ञानिकों ने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र को कौन सी फसल उगाने का दावा किया है, तो वो है गेहूं। दोस्तों हम फैक्ट्स आपको इसलिए बताते हैं ताकि क्वेश्चन आपको रट जाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कि हाल ही में जो नासा के वैज्ञानिक थे उन्होंने अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में गेहूं की फसल उगाने का दावा किया है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी टेलीकॉम कंपनी चंद्रमा पर 2019 में 4G सेलफोन नेटवर्क स्थापित करने के लिए योजना पर कार्य कर रही है। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग टेलीकॉम कंपनी हैज प्लान टू सेट अप 4G सेलफोन नेटवर्क ऑन मून इन 2019, ठीक है। 2019 में कौन सी ऐसी टेलीकॉम कंपनी है जो 2019 में 4G से जो सेलफोन नेटवर्क है उसको स्थापित करने के लिए योजना पर कार्य करे। ऑप्शंस आपके पास यहाँ पर दोस्तों चार हैं, ठीक है। चाइना टेलीकॉम है, वेरिजॉन कम्युनिकेशन है, भारतीय एयरटेल है या फिर वोडाफोन है, ठीक है। तो जो सही वाला ऑप्शन है यानी जो इसमें से जो इन फॉलोइंग में से जो टेलीकॉम कंपनी है जो 2019 में 4G सेलफोन का नेटवर्क स्थापित करने की योजना बना रही है, जो स्कीम प्लान कर रही है, वो क्या है, वो है वोडाफोन। ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है।
जो चांद पर आपका पहला 4G सेलफोन नेटवर्क बनेगा 2019 में, जो बनना शुरू होगा वो जो मल्टीनेशनल टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन है ये नेटवर्क तैयार कर रही है, जो मल्टीनेशनल कंपनी वोडाफोन है ये तैयार कर रही है। ये तैयार करने के लिए उसने उसको नोकिया का साथ मिला है, ठीक है। ये नोकिया के साथ मिलकर इस योजना पर काम कर रही है, ये जो वोडाफोन है ये नोकिया के साथ इस योजना पर काम कर रही है। यहाँ पे जो ये नेटवर्क लगाएगी इसको ब्रिटिश साइंटिस्ट के चंद्र अभियान की सहायता के लिए है, जो ये नेटवर्क लगाएगी उसको क्या कहते हैं, पीटी साइंटिस्ट के चंद्र अभियान में सहायता के लिए किया गया है। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस आपको बनेंगे कि क्या कहते हैं कि जो आपको ये जो 4G नेटवर्क सेल बनाया जा रहा है चंद्रमा पर वो किसके टेलीकॉम कंपनी के द्वारा बनाया जा रहा है, तो वो वोडाफोन, और इसकी सहायता इसमें कौन करी, तो नोकिया कंपनी करी, ठीक है। जो कंपनी है वो क्या करी, नोकिया कंपनी इसका इसकी इसका साथ दे रही है उस नेटवर्क को एस्टैब्लिश करने, वहाँ पे सेटअप करने के लिए 4G सेलफोन को वहाँ पे सेटअप करने के लिए कंपनी इनका साथ दे रही है, जो कि वो होगी नोकिया की कंपनी, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपका था कि निम्नलिखित में से कौन सी टेलीकॉम कंपनी 2019 में 4G सेलफोन नेटवर्क स्थापित करने के लिए योजना पर कार्य की रही है, तो वो है ऑप्शन डी वोडाफोन कंपनी। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना चाहिए, पूछा जा सकता है आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, ये आपका इस बारी है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित डायरिया के किफायती किफायती टीकों को स्वीकृति प्रदान की है, इस टीके का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास चार हैं दोस्तों यहाँ पे, कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित डायरिया के किफायती टीके को स्वीकृति प्रदान की, इस टीके का नाम क्या है। ऑप्शन आपके पास चार है, डायामैक है, ठीक है, नासा मैक है, डेटा वैक है, या रोटा वैक है। तो जो सही वाला ऑप्शन है दोस्तों वो आपका क्या है, रोटा वैक है, यानी जो WHO है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जो भारत में निर्मित जो डायरिया की जो वैक्सीन होगी, जो टीके होगी, उसको स्वीकृति प्रदान की है कि वो पूरे कंट्री, पूरे जितने भी देश हैं सब में बेचा जा सकता है सिवाय अमेरिका के, अमेरिका को छोड़ के बाकी जो लगभग सारे देशों में इसको, ये जो जो वैक्सीन है, ये जो टीका है रोटावैक, इसको बेचा जाएगा, जो कि डिप्थीरिया सॉरी डायरिया के लिए आपकी जो इसको डायरिया के लिए जो ये है उसकी उसके सुरक्षा के लिए आपको ये जो टीका है आपका वो बनाया गया है, जो कि हर एक देश में बिकेगा सिवाय अमेरिका को छोड़कर। और जो टीका है यानी जो वैक्सीन है इसका दाम 60 रुपए है, ठीक है, ये 60 रुपए यानी काफी सस्ता है, 60 रुपए में ये टीका आपका अवेलेबल है, जिसको भारत की जो बायोटेक कंपनी है वही बना रही है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि भी रिसेंटली या हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित डायरिया के किफायती टीके को स्वीकृति प्रदान की, इस टीके का नाम क्या है, तो वो है रोटावेक। और ये सब पहली बार हुआ है जब WHO ने, यानी जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, उसने भारत की पहली किसी दवा पे अपनी मोहर लगाई कि वो अदर कंट्रीज में बेचा जा सकता है, जो दूसरे देश में बेचा जा सकता है। ये भारत का ये WHO द्वारा पहला अवसर है जब भारत में विकसित कोई भी टीका या कोई भी दवा को मंजूरी प्रदान की गई है WHO द्वारा, जिसको आप अदर कंट्रीज में बेचे जा सकते हैं। ये बस अमेरिका में नहीं बिकेगा, बाकी जितनी भी कंट्रीज है वहां पे ये रोटावैक जो वैक्सीन है वो बेची जाएगी। तो क्वेश्चन आपका क्या था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में निर्मित डायरिया के किफायती टीके को स्वीकृति प्रदान की, इस टीके का नाम क्या है, तो वो है आपका रोटावैक। ऑप्शन डी आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाल ही में किस देश ने एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का दर्जा 16 मार्च 2018 को प्राप्त कर लिया। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, विच कंट्री रिसेंटली अचीव द स्टेटस ऑफ प्लेइंग वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन मार्च 16, 2018, ठीक, ऑन मार्च 16, 2018, 16 मार्च 2018 को जो दर्जा यानी जो स्टेटस मिला है किस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम को मिला है वनडे मैच खेलने का। ऑप्शन आपके पास चार है, मालदीव को, अमेरिका को, नेपाल को, या मॉरिशस को। तो जो सही ऑप्शन है आपका वो है ऑप्शन नेपाल, ठीक है। हाल ही में जो भी विश्व कप क्वालिफायर मैच हुआ था उसमें नेपाल ने पपुआ न्यू गिनी को 6 विकेट से हराया था, और तभी इसको मान्यता मिली थी, इसको एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने का दर्जा प्राप्त हुआ है, ठीक है। अब आपका जो एशिया की टीम है उसमें एक टीम और बढ़ गई, इससे पहले भारत आपका खेलता था, पाकिस्तान खेलता था, श्रीलंका खेलता था, बांग्लादेश खेलता था, अब नेपाल भी क्रिकेट खेलेगा। तो हाल ही में जिस देश ने एशिया अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में मैच खेलने का दर्जा प्राप्त किया वो आपका नेपाल है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपको बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, हाँ, दिसंबर 2017 में चर्चा में रहे कान्हा चंद्रू और बिजली क्या है, ठीक है, व्हाट आर द चंद्रू कान्हा एंड बिजली इन डिस्कशन इन दिसंबर 2017, यानी 2017 में जो चर्चा में रहे कान्हा चंद्रू और बिजली क्या है,
तो ये ऑप्शंस आपके पास आ रहे हैं कि मेढक की नई प्रजातियां हैं, या यूएनपी पर गुडविल एम्बेसडर, या धान की नई प्रजाति हैं, या बाघ के सावक हैं। तो जो सही वाला ऑप्शन है दोस्तों वो आपका क्या है, ऑप्शन डी, ये बाघ के सावक हैं। दिसंबर 2017 में जो चर्चा में रहे कान्हा, चंद्र और बिजली है, ये क्या है, बाघ के सावक है या बाघ के बच्चे। दोस्तों हुआ क्या था कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब जंगल सफारी की तो उसमें एक शिवाजी नाम के बाघ से उनकी उन्होंने आंखें मिलाई थी, ठीक है, और उसके जो उसकी जो फोटो थी वो दुनिया में काफी चर्चित हो गई थी, काफी चर्चित हुई थी। तो उसी के जो तीन सावक हैं, उसी के जो तीन बच्चे हैं, वहीं जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं रमन सिंह, उन्होंने उनका नामकरण किया और उन्हीं का नामकरण ये रखा गया, कान्हा चंद्रू और बिजली। क्वेश्चन रिसेंट एग्जाम में आपको पूछा गया है कि कान्हा चंद्रू और बिजली क्या है, तो ये सावक के बच्चे। रिसेंटली जब प्रधानमंत्री मोदी जी जो जंगल सफारी पे गए थे तो वहां पे जो जिस शिवाजी के नाम बाघ से उनकी आंखें मिली थी ये उन्हीं के बच्चे हैं और इन्हीं का वहां नामकरण किया गया। वो फेमस जो फोटो थी वो काफी फेमस हुई थी, उन्हीं के बच्चों का नाम आपको कान्हा चंद्रू और बिजली है। तो ये क्या है, तो ये बाघ के शावक है, यानी जो कान्हा चंद्रू और बिजली है क्या है, तो ये बाघ के शावक है, यानी बाघ के बच्चे। तो आज के लिए बस इतना दोस्तों, होप आपको सारे क्वेश्चन जो हमने प्रेजेंट किए हैं होप आपको वो क्वेश्चन याद हो गए होंगे, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब बस ध्यान से देखिए, अगर आप स्लाइड ध्यान को ध्यान से देखें तो ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और यही क्वेश्चन करंट अफेयर्स में पूछे जा रहे हैं। रिसेंट के ट्रेंडिंग जो एग्जाम्स है उसमें जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे ही क्वेश्चन बन रहे हैं, वो सारे ही प्रेजेंट करें। जितने भी क्वेश्चन दोस्तों आपको आएंगे वो सारे ही हम प्रेजेंट करेंगे, आप बस ध्यान से देखिएगा। अगर अब तक आपने पूरे कोर्स में खुद को इनरोल नहीं किया तो इनरोल कर लें, इनरोल कर लें काफी ईजी है। इनरोल करने से जब ये होगा कि हम पर डे इसमें एक लेसन प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, पर डे हम इसमें एक लेसन अपलोड करते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जाएगी जब आपने इनरोल किया होगा। और दोस्तों अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है तो रेट रिव्यू करना मत भूलेगा, लेसन को लाइक करना मत भूलेगा और शेयर करना